एवरीवन, कैसे हैं आप सब। होप करती हूँ आप सभी अपने घर में बहुत ही अच्छे होंगे। वेलकम बैक टू आवर न्यू वीडियो। हम फिर से आ गए आपके प्यारे प्यारे कमेंट पढ़ने और उनके प्यारे प्यारे रिप्लाई कर रहे हैं आपको। साथ ही साथ आपको सबसे पहले बता देती हूँ, जिसने अभी तक गाना नहीं देखा है कुछ रातें, जल्दी जाके नंबर 1 रिकॉर्ड्स पे गाना देख लीजिए और उस पे रील भी बनाइए प्यारी प्यारी। इंस्टाग्राम पे हमें टैग भी कीजिए, हम मेंशन करेंगे स्टोरी। तो पहला कमेंट पढ़ने जा रही है गोलू। पहला कमेंट है साई प्लेस का। हेलो पालन कृतिका, आप कभी अमृतसर के सब कुलचे छोले ट्राई करना। आई बेट यू नेवर ईट लाइक डेट बिफोर एंड न्यूट्री कुलचा ऑल्सो ऑफ अमृतसर। आई एम फ्रॉम अमृतसर लिविंग इन न्यूजीलैंड बट आई ऑफन गो टू इंडियन ईट इट यू विल लव। तो गाइज मैंने खाए हुए हैं वहाँ के छोले कुलचे स्टफ वाले, बहुत 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 यम्मी होते हैं, इतने भारी होते हैं और सच में बहुत टेस्टी है। पायल ने नहीं खाए क्योंकि पायल आपका भी अमृतसर नहीं गई है। मैं कम से कम 10 से 12 बार शादी से पहले जा चुकी हूँ। तो गाइज जरूर मेरे को, क्या नाम है, अमृता साई प्लेस जी, जब भी मेरे को टाइम मिलेगा ना, मतलब टाइम क्या, जब भी मेरा मौका मिलेगा गुरुद्वारा साहिब जी हमें बुलाए और मैं वहाँ जाऊँ तो मैं जरूर खाऊंगी वहाँ पे। तो नेक्स्ट है पायल अरोड़ा का। तो पायल अरोड़ा हमें कमेंट करते रहते हैं, उनके कमेंट्स भी रीड करते रहते हैं। पायल कृतिका, आप दोनों सुखमनी साहिब का पाठ पढ़ो रोज, किसी भी टाइम अच्छा होगा। बाबा दीप सिंह जी ब्लेस यू। तो थैंक यू सो मच पायल अरोड़ा जी। बिल्कुल इस टाइम पे सब बोलते हैं कि चाहे वो भगवद गीता हो, चाहे आप कोई भी पाठ कीजिए, हनुमान चालीसा हो, कुछ भी कीजिए, भगवान से रिलेटेड बुक्स पढ़िए, रामायण पढ़िए, तो बहुत अच्छा होता है, तो हम जरूर पढ़ेंगे। तो नेक्स्ट है प्रमोद अलावाद का। पायल दी, गोलू दी, आप वैसे तो सारे ड्रेस में अच्छे लगते हो, पायल सूट सलवार में मुझे बहुत सुंदर लगती है। पायल दी, एक बार चीकू को नॉटी बेटा बोल के पुकारना। जी जरूर, चीकू आएगा तो जरूर मैं आज के ब्लॉग में उसे नॉटी बेटा बोल के पुकारूंगी। और साथ ही साथ सूट ना, हाँ मेरे को सूट खुद भी अच्छे लगते हैं अपने ऊपर, लेकिन ना अभी जो प्रेगनेंसी का टाइम है ना, तो उसमें ना सलवार और सूट में नाड़े होते हैं और नाड़े फिर टाइट हो जाते हैं, इसलिए फिर मैं नहीं पहन रही अभी सूट। तो नेक्स्ट कमेंट है टेडी का। हाय पायल, आपका LFT वैल्यू क्या है। मुझे भी LFT इश्यू था प्रेगनेंसी में, इसको जॉन्डिस की तरह है, सो अवॉइड ऑयली फूड। हाँ ये बिल्कुल बिल्कुल, मेरे को भी डॉक्टर ने कल यही बोला था कि ऑयली फूड बिल्कुल बंद कर देना, परांठे बिल्कुल बंद कर देना, पर मैंने आज खाए हैं और मैं आगे से ध्यान रखूंगी इस चीज का। मुझे भी याद आ गया, डॉक्टर ने मुझे कल मना किया था। और पता नहीं मेरा LFT लेवल क्या है, वो मैं आपको बाद में नेक्स्ट मेरे ब्लॉग में बता दूंगी कि क्या है। तो नेक्स्ट है छाया सिंह का। हेलो पायलन कृतिका मैम, आप लोग सभी ने बहुत अच्छे से बात करते हैं, चाहे कोई भी फ्रेंड हो, फैमिली, सब्सक्राइबर, इतने सक्सेस होने के बाद। और चीकू बहुत ही प्यारा बच्चा है, एक दिन लाइफ में बहुत ही सक्सेस होगा, बिल्कुल आप लोगों की तरह। लॉट्स ऑफ लव आपकी फैमिली के लिए। थैंक यू सो मच छाया। और देखो इंसान को हमेशा ऐसा ही रहना चाहिए जैसे वो शुरुआत में हो, तो हमारे लिए सभी लोग इक्वल हैं, चाहे वो हमारे फ्रेंड्स हो, हमारे सब्सक्राइबर्स हो, हमारे रिलेटिव्स हो, हम सबसे इसी तरीके से बात करते हैं जैसे हम हैं। बिल्कुल चीकू बहुत ही प्यारा बच्चा है हमारा, और आने वाले बच्चे भी बहुत प्यारे होंगे। और ये बात बिल्कुल सही कही आपने कि वो बहुत सक्सेसफुल होगा क्योंकि उसके पापा उसे उसी तरीके से पाल रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल, वो हर एक चीज अपने पापा से सीखता है, जैसे वो बच्चा घर में जो चीजें देखता है ना, तो वैसे ही माहौल में बच्चा अडेप्ट हो जाता है, तो वो देखते हैं अपने पापा को मेहनत करते हुए, अभी से तो वो भी इतनी छोटी उम्र में मेहनत कर रहे हैं। तो नेक्स्ट है 499 सब्स चैलेंज विद 0 वीडियो, ब्यूटीफुल एंड फ्रूटफुल वीडियो विद अ ग्रेट लेसन टू डोनेट आवर एक्स्ट्रा ओल्ड वुलन ब्लैंकेट्स एंड अदर क्लोज टू रेडी नीडी सफरिंग पीपल बाय हैंगिंग देम इन पब्लिक एरियाज, इट्स आर पब्लिक मोरल एंड सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। अच्छा हमने कल बोला था ना कि हम डोनेट करके आए थे कपड़े। हाँ वो कह रहे कि अच्छा आइडिया, तो हमने ये सोचा है कि अभी ये थोड़ा टाइम बाद ना वुमेन्स डे या फिर उसपे हमारे पास बहुत सारे बैग्स वगैरह भी है गाइस, तो हम ये सोच रहे हैं वुमेन्स डे पे, जब वुमेन्स डे आएगा ना, तो वो बैग्स हम जो है लेडीज को गिफ्ट करेंगे। तो नेक्स्ट है सुखप्रीत कौर का। दीदी आपके व्लॉग हमें बहुत अच्छे लगते हैं, आप जहाँ पे भी बाहर जाते हो शाम को एक्स्ट्रा जैकेट या स्वेटर लेके जाए को, ठंड बहुत हो गई है, प्रेगनेंसी में कपड़ा अच्छे से नहीं होता। दी आप दोनों अपना ध्यान रखना, कापना अच्छा नहीं होता, आप दोनों अपना ध्यान रखना, गॉड ब्लेस यू एंड लिटिल बेबी। तो गाइज आज हम जाएंगे ना तो और कवर होकर जाएंगे, मैं तो साथ में कैप भी लेके जाऊंगी क्योंकि सच में बहुत ज्यादा ठंड होती है, और आप जितने मर्जी कपड़े पहन लो ठंड तो लगती है। बाकी हम ट्राई करते हैं कि जितना हो सके गर्म कपड़े पहने। तो नेक्स्ट है ऋचा यादव का। कितना क्यूटली चीकू ने बोला, मेरी बहनों के लिए रख लो, सो केयरिंग बिग ब्रो लवेबल। बिल्कुल बिल्कुल, चीकू बहुत ही केयरिंग होगा अपने भाई बहनों के लिए। और जैसे होता है ना कि एक नया बच्चा घर में आता है तो बच्चा चिढ़ता है, पर चीकू बिल्कुल नहीं चिढ़ेगा, चीकू उनका बहुत ज्यादा ध्यान रखेगा, हमसे भी ज्यादा ध्यान रखेगा। तो नेक्स्ट है गुरप्रीत विया का। पायल दी, गोलू दी, बहुत प्यारी फैमिली आपकी। मैं आई थी कैनेडा पर मेरा दिल नहीं लगा कैनेडा में, बट आपके ब्लॉग देखते टाइम मुझे लगा कि इंडिया में हूँ, मैं चंडीगढ़ से हूँ, जब भी मैं इंडिया आई आपसे मिलना जरूर है, लव यू। तो वाओ गुरप्रीत जी, आप इतनी दूर से हमारे ब्लॉग्स देखते कैनेडा में, आपको लगता है कि आप इंडिया में हो। तो बिल्कुल जब भी आप आएंगे यहाँ आपको मौका
मिलेगा तो आप हमसे बिल्कुल मिलने आइए, मोस्ट वेलकम आपका। बाकी सबको पता ही हम कहाँ रहते हैं, आपको भी पता होगा, तो जब भी आपका चक्कर लगे इंडिया आप आ सकते हैं। तो नेक्स्ट है आयशा चौधरी का, दीदी मैं नेपाल से हूँ, आप लोगों के फैन हूँ, हर वीडियो देखती हूँ, आई लव फ्रॉम नेपाल। थैंक यू सो मच आयशा चौधरी। तो नेक्स्ट है आस्था सेजवानी का, आपको गुजराती थोड़ी थोड़ी आती है तो नेक्स्ट व्लॉग में जरूर बोलना फ्रॉम गुजरात। ट्राई करेंगे बिल्कुल, ये टास्क भी आपका जरूर लेंगे हम, गुजराती में थोड़ी बहुत गुजराती हमें आती है, केम छो, माजा मछे और आउ छे जाऊं छे करेंगे, ट्राई करेंगे। तो नेक्स्ट है अर्षा शेख 2710 का, अरमान भाई आप बहुत ही ज्यादा अच्छे हो, आप बहुत ख्याल रखते हो अपनी फैमिली का, अल्लाह आपको सेहत दे, आपकी हर ड्रीम पूरी करे, आमीन, लव यू मच मलिक फैमिली। ये बात तो बिल्कुल सही है अर्षा अर्षा जी, और आपका कमेंट मैं सेकंड या थर्ड टाइम पढ़ रही हूँ, मेरे को नाम याद रहते हैं। अरमान जी बहुत ही अच्छे हैं, अपनी पूरी फैमिली का ध्यान रखते हैं, फैमिली का नहीं अपनी हर एक टीम मेंबर का भी ध्यान रखते हैं। तो नेक्स्ट है आदित्य गेमिंग 6168 का, चीकू जब भी कोई बात बोलता है तो कॉन्फिडेंस से बोलता है, बहुत ही आगे जाएगा आपका बच्चा, बहुत कामयाब होगा। थैंक यू सो मच आपने चीकू के हिडन टैलेंट को पहचाना, थैंक यू सो मच। तो नेक्स्ट है सोनिया चौहान 6530 का, अरमान भाई आपके सोनिया चौधरी 6530 का, अरमान भाई आपके बर्थडे की एल्बम बहुत सुंदर लगी, थैंक यू सो मच। तो नेक्स्ट है दिष्टा धैया 7117 का, एल्बम बहुत अच्छी है गोलू दी, पायल दी यू लुक गॉर्जियस, पायल दी कालू भैया अच्छे लग रहे हैं, कालू भैया कब वापस आएंगे? कालू भैया को अभी हम थोड़ा टाइम और रखना चाहते हैं, क्योंकि हम ये चाहते हैं कि वो जो नशे की आदत में लत में पड़े हुए ना वो बिल्कुल ही निकल जाए। देखो ऐसे तो निकलती नहीं है, ये तो मुझे भी पता है, क्योंकि थोड़े दिन इंसान भूल जाता है, जब तक वो नशा मुक्ति में रहता है वो भूल जाता है, लेकिन जैसे वो वापस उसी संगत में जाता है ना तो वो दोबारा अडेप्ट कर लेता है। तो भैया को भी 1 महीना हुआ है, इस बार हमने सोचा भैया को थोड़ा टाइम रखेंगे उसके बाद ही निकालेंगे। तो नेक्स्ट है यूजर RC7UC8VW1P का, भाई आप ऑपरेशन नहीं करवाना, आप एक बार मॉर्निंग में एक बार इवनिंग में योगा किया करो, खाली पेट आपकी घाट बिल्कुल भी नहीं रहेगी, घाट बिल्कुल नहीं रहेगी। मेरे पापा को बहुत साल पहले गले में सेम प्रॉब्लम हो गई थी, एंड में बिल्कुल आवाज चली गई थी, पता ही नहीं चला, देन डॉक्टर ने ऑपरेशन के लिए बोला, मेरे पापा ने योगा से ठीक करी, आई होप आप भी ठीक हो जाओ, ट्रस्ट मी। तो थैंक यू सो मच इतना बड़ा कमेंट करने के लिए और अरमान जी के लिए इतना अच्छा नुस्खा बताने के लिए, लेकिन क्या है ना कि अरमान जी जिम बहुत ज्यादा करते हैं तो योगा तो मेरे हिसाब से वो नहीं करते हैं बिल्कुल भी, और योगा से भी एक्सरसाइज होती है, जिम से भी एक्सरसाइज होती है, तो अगर उससे कुछ हुआ फायदा तो हम आपको जरूर बताएंगे। तो नेक्स्ट है रोमिस वर्षा का, चीकू का गाना बहुत पसंद है, खुश हो गया, चीकू को गन बहुत पसंद है, खुश हो गया लड़का, गन मिल गई। अच्छा, जी बिल्कुल, उसको उसके फेवरेट टॉयज में गन सबसे पहले आती है। तो गाइस आज मुझे दिख नहीं रहा, सो सॉरी। तो नेक्स्ट है योगा विद अंकित गोलू दी पायल दी, अपना प्रेगनेंसी पीरियड में फ्लोर में मत बैठा करें, इससे बेबी को ब्रीथिंग प्रॉब्लम होती है, फ्लोर पे बैठने से पहले कोई पिलो डाल ले, फिर कोई भी छोटा मुड़ी या स्टूल वगैरह पर बैठे, इससे आपको बैठने में प्रॉब्लम नहीं होगी। दूसरी बात, कोई भी सामान फ्लोर से उठाना हो तो कमर के सहारे सामने की साइड नहीं झुके, आपको नीज पर थोड़ा बेंड करके काम कर सकते हो, प्रॉब्लम नहीं होगी बेबी को। बाबा श्याम ऑलवेज ब्लेस यू, लव यू ऑल। थैंक यू सो मच अंकित जी, आपने इतना बड़ा कमेंट हमें किया और बहुत ही अच्छी अच्छी बातें आप हमें बताते हैं, उसके लिए थैंक यू सो मच। इतना बड़ा कमेंट करने के लिए भी टाइम चाहिए होता है और आप हमारे लिए टाइम निकालते हैं इतना, तो उसके लिए थैंक यू सो मच। नेक्स्ट कमेंट मैं पढ़ने जा रही हूँ भूषण शर्मा का, प्लीज प्लीज बताना कि चीकू का बैग और ऑनलाइन शॉपिंग कहाँ से करता है, पायल दी और गोलू दी पहले भी पूछा था बट नहीं बताया उन्होंने, बस बताना कि कहाँ से करता है ऑनलाइन शॉपिंग प्लीज। तो चीकू का जो बैग आया वो मिनी बस की तरफ से आया है। नेक्स्ट कमेंट है वजह रसूल का, पायल एक दफा नितिन की अच्छी पिटाई लगा दो सच्ची, बिल्कुल आपसे कह रहे हैं उसकी पिटाई लगानी चाहिए, चीकू को बहुत ज्यादा तंग करता है। तो लास्ट कमेंट यही था, तो आज के कमेंट हम यहीं खत्म करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जिसने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया जल्दी जाके सब्सक्राइब करो, लाइक करो, कमेंट करो, शेयर करना बिल्कुल मत भूलना। बाय बाय गाइस।